आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेमिकोर्डेट्स। हेमी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आप इनके मीनिंग्स याद करेंगे तो आपको उसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो जो हमारे पास हेमी हम यूज़ करते हैं हाफ के लिए, और कोर्डेट्स वो एनिमल्स जिनमें कोर्ड पाई जाती है उनको कहते हैं कोर्डेट्स। सो हेमी कोर्डेट्स वो हैं जो हाफ कोर्डेट्स होते हैं। तो आज हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फाइलम कोर्डेटा, उन्होंने कहा हुआ है द फाइलम कोर्डेटा हेमी हाफ कोर्डा कोर्ड इंक्लूड्स द एक्रोन वर्म्स क्लास एंटीरोनिस्टा और द टीरोब्रैंकाई क्लास टीरोब्रैंकस क्लास टीरोब्रैंकाई। ये हमारे पास हेमी कोर्डेटा की दो मेन क्लासेज है जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इसके हेमिकोर्डेटा के हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि हेमिकोर्डेटा के क्या 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 करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर हम आगे से इनकी क्लासेस को पे फोकस करेंगे। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले हमने इकाइनोडर्म में भी पढ़ा है, इनके थोड़े जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इकाइनोडर्म से मिलते जुलते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपको थोड़ा पता चलता जाएगा कि इनमें काफ़ी जो क्वालिटीज़ हैं वो इकाइनोडर्म से मिलती जुलती हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये मरीन है, सॉल्ट वाटर में रहते हैं। वही पहले भी हमने पिछले लेक्चर्स में भी जो पढ़ा है, इकाइनोडर्म भी क्या होते हैं, मरीन वाटर में ही रहते हैं। ड्यूटेरोस्टोमेटा, ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमेटा का मैं आपको पहले दिन ही इनका इसका प्रोटोस्टोमेटा का मैंने आपको डिफरेंस बताया कि क्या है ड्यूटेरोस्टोमेटा। क्या है, जिसमें डेवलपमेंटल एम्ब्रियो की जो स्टेज होती है ना, उसमें ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनल ओपनिंग बनती है, जबकि प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से माउथ की ओपनिंग बनती है। तो ये क्या है, ड्यूटेरोस्टोमेटा एनिमल्स हैं। आगे इनकी बॉडी को तीन रीजन में डिवाइड किया गया है, प्रोबिस्कस, कॉलर एंड ट्रंक, ये भी आगे हम देखेंगे। अब जो जब इनकी बॉडी को तीन रीजन में डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब है जो इनका बॉडी का सिलोम है वो भी तीन कैविटीज पे ही होगा। सिलोम डिवाइडेड इनटू थ्री कैविटीज। आगे इनकी सीलिएटेड फ्रिंजल स्लिट्स हैं, इनमें स्लिट्स फ्रिंजल स्लिट्स होती हैं जिनमें सीलिया यानी कि होता है, वो क्या करता है, वो पानी वाटर करंट से जब सीलिया मूव करते हैं तो वाटर के अंदर गैसेस और वो जो हमारे पास जो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसका क्या होता है, डिफ्यूजन से उनका एक्सचेंज होता है। इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या मुराद है कि क्या कि ये इनमें जो ब्लड है वो ओपनली फ्लो फ्लो करता है। हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास होते हैं कि जो ब्लड है वो कन्फाइन हो के किसी ब्लड वेसल में फ्लो करता है, जैसे आर्टरीज, वेन्स, ये मगर ओपन में इनके पास ऐसा कोई नहीं है, ये क्या पूरी बॉडी में ओपनली फ्लो करते हैं। अब इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यानी कि इनमें माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट है। ऐसी ऐसी बॉडी जिसमें माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। डोर्सल समटाइम ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, अब इनमें नर्व कॉर्ड है, हम इनको हेमिकोर्डेट्स कह रहे हैं, तो इनका मतलब है कि इनमें नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट है, मगर वो क्या है, डोर्सल या फिर ट्यूबुलर फॉर्म में। सबसे पहले क्लास इंटीरो इंट्रो इंटीरोनिस्टा, मेंबर ऑफ द क्लास इंटीरोनिस्टा, इंटीरो इंटेस्टाइनिस्टा फॉर ब्रीथिंग। अब इनको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन, एक इनकी शेप ऐसी होती है कि इनको ना थोड़ी इंटेस्टाइन से रिलेटेड यानी कि नज़र आती है, और फॉर ब्रीदिंग इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि इनमें फ्रिंजल स्लिट्स प्रेजेंट है जो ये ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ये क्या, ये मरीन वर्म्स हैं। वर्म्स इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो शेप है वो वर्म जैसी होती है, जैसे अर्थ वर्म है, आप देखेंगे कि इनकी शेप भी देखें थोड़ी अर्थ वर्म से ही मिलती जुलती है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, मरीन वर्म कहते हैं। इनकी 100 स्पीशीज हैं। ऑक्यूपाई यू शेप बरो इन सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेट। अब क्या कहते हैं कि ये सब सॉल्ट वाटर में एंड पे जो सैंडी और मडी सबस्ट्रेट है ना वहाँ पे ही रहते हैं, जैसे कि इकाइनोडर्म है वो भी सबस्ट्रेट के साथ ही रहते हैं मडी एरिया में। तो ये क्या है, यू शेप बरो बना लेते हैं। जैसे अब इनकी अपनी ये है बॉडी, या क्या कहते हैं, ये अपने बॉडी की ही मदद से ये बरो बनाना शुरू कर देते हैं और वो यू शेप्ड होती है। यूजली बिटवीन 10 to 40 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, यानी इनका साइज बताया गया है, मगर जो कुछ होते हैं वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं। अब वही बॉडी रीजन, पहले बताया कि बॉडी
तीन हिस्सों में डिवाइड की गई है, प्रोबिस्कस, कॉलर एंड ट्रंक। ये इनका प्रोबिस्कस है, ये जो इनका माउथ वाला पार्ट है, ये इनका कॉलर रीजन है, और ये पीछे से इनकी इनका ट्रंक है। ये थ्री रीजन में इनको डिवाइड किया गया है। अब जो इनका प्रोबिस्कस है, ये देखें, ये क्या प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड फॉर्म है और इंटीरियर एंड पे है, ठीक है। ये शॉर्ट होता है, इसको प्रोबिस्कस कहते हैं। कॉलर है यहाँ पर माउथ के बाद, ये क्या है होता है, ये रिंग्ड लाइक होता है पोस्टीरियर एंड पे, ठीक है। और बाकी ये सारा इनका पीछे से क्या है, ट्रंक है, और यहाँ पे इनकी एनल ओपनिंग होती है। एपिडर्मस एंड ग्लैंड सेल्स, सीलिएटेड एपिडर्मस एंड ग्लैंड सेल्स कवर्स वर्म बॉडी। अब इनकी क्या है कि जो बॉडी है वो सीलिएटेड होती है, और इनमें इनकी बॉडी पे ही ग्लैंड पाए जाते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं। माउथ लोकेटेड वेंट्रली बिटवीन द प्रोबिस्कस एंड कॉलर। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो माउथ है ये प्रोबिस्कस और ये कॉलर के दरमियान है, ठीक है। ये वाला माउथ है, और इनके इसके प्रोबिस्कस के बाद प्रोबिस्कस स्टॉक भी है, और यहाँ पे जो हमारे पास कॉलर है, यहाँ पे म्यूकोइड रिंग भी बनती है, वो हम आगे देखते हैं। माउथ हो गया है, फ्रिंजल स्लिट्स हैं। अब देखें, वेरिएबल नंबर फ्रॉम फ्यू टू सेवरल हंड्रेड। अब स्लिट्स उन्होंने कहा है, पहले पीछे हमने पढ़ा है कि ये क्या है, इनका जो है ब्रीदिंग के लिए ये यूज करते हैं, वो क्या है, वो है फ्रिंजल स्लिट्स। अब जो स्लिट्स हैं, ये हमारे पास स्लिट्स हैं, ये नजर आ रही हैं आपको ब्लू कलर में। अब वो क्या है, उन्होंने कहा है फ्यू टू सेवरल हंड्रेड्स में इनके नंबर होते हैं, इनके नंबर फिक्स नहीं होते, वेरी करते हैं। ओपनिंग बिटवीन एंटीरियर रीजन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक कॉल्ड फेरिंक्स, ठीक है। अब इनमें जो ओपनिंग इंटीरियर की और डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग होगी, उसको हम क्या कहेंगे, फेरिंक्स, क्योंकि इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक पाया जाता है, तो इनमें माउथ के बाद क्या आता है, फेरिंक्स आता है आउटसाइड द बॉडी। आगे है इनके मेंटेनेंस फंक्शन। अब इनके मेंटेनेंस फंक्शन में सबसे पहले क्या आ रही है, फीडिंग आ रही है। अब जो इनका ये प्रोबिस्कस है ना, ये होता है म्यूकस, एक तो इनपे छोटे छोटे सीलिया होते हैं, और दूसरे इनपे क्या होते हैं, म्यूकस की कवरिंग होती है। अब ये सीलिया और म्यूकस की कवरिंग मिल के इनको फीडिंग में हेल्प करते हैं। सीलिया एंड म्यूकस असिस्ट इन फीडिंग, डाइटेरियस एंड अदर पार्टिकल्स अडहेयर टू द म्यूकस कवर्ड प्रोबिस्किस, ठीक है। अब कोई भी डेड पार्टिकल है या कोई और पार्टिकल है, वो क्या म्यूकस, क्योंकि म्यूसिक म्यूकस क्या होता है, स्टिकी होता है, तो कोई भी कोई डेड है या अदर मटीरियल है, वो क्या होता है, ये स्टिकी, जाहिर है कोई भी चीज़ स्टिकी है तो उसके साथ वो क्या हो जाएगी, अडहेयर हो जाएगी, चाहे वो डेड है चाहे वो अदर है, अदर पार्टिकल्स है, तो उनके ये प्रोबिस्कस पे वो अडहेयर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ से जो है फूड मटेरियल, ये यहाँ से म्यूकोइड से आगे बॉडी माउथ में एंटर होती है। माउथ में एंटर होने के बाद वो क्या करती है, उसकी ये यहाँ पे म्यूकोइड रिंग ना बनती, स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। अब जो कि जो पार्टिकल इनको नहीं चाहिए होते हैं इनकी बॉडी के लिए, यानी कि इनको रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो म्यूकोइड रिंग से ही क्या है, बॉडी से इजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये देखें, डेटेरियस एंड अदर पार्टिकल अडहेयर टू द म्यूकस कवरिंग प्रोबिस्कस, सीलिया ट्रांसपोर्ट फूड एंड म्यूकस पोस्टीरियरली एंड वेंट्रली। अब जो सीलिया है उसने ही एंड म्यूकस, इन्होंने ही फूड को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। सिलरी ट्रैक कवरेज नियर द माउथ एंड फॉर्म आ म्यूकोइड स्टिंग दैट एंटर्स द माउथ। अब यहाँ पे म्यूकोइड स्टिंग बनता है, ठीक है, वही जो है वो फूड को माउथ में एंटर होने में हेल्प करता है, और जो मटेरियल, जो प्रोडक्ट इनको अपने लिए, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, वो वहीं से बॉडी से क्या कर दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है। एक्रोन वर्म्स में इजेक्ट सम सब्सटेंस ट्रैप्ड इन द म्यूकोइड स्टिंग बाय पुलिंग द प्रोबिस्कस अगेंस्ट द कोलर, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पे ये इनका कोलर रीजन है, ये प्रोबिस्कस है, यहाँ पे म्यूकोइड स्ट्रिंग बनता है। अब वो स्ट्रिंग के ही जरे ओपोजिट मूव करते हैं, और ये वो जो मटेरियल बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो यहाँ से क्या कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं, वो बॉडी के अंदर लेके ही नहीं जा रहे। आगे सीलरी ट्रैक ऑफ द कोलर एंड ट्रंक ट्रांसपोर्ट रिजेक्टेड मटेरियल एंड डिस्कार्ड इज पोस्टीरियरली। अब वो क्या कह रहा है कि जो मटेरियल इनको नहीं चाहिए होता है, वो वहीं से ही बॉडी से क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है।
डाइजेस्टिव ट्रैक है, पहले पढ़ा है कि पीछे ही हमने मैंने बताया कि क्या इनका डाइजेस्टिव क्या है, कंप्लीट होता है और ये ट्यूब की फॉर्म में होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक इज अ सिंपल ट्यूब, फूड इज डाइजेस्टिव एज अ डाइवर्टिकुला ऑफ द गट, हेपेटिक सैक्स रिलीज एंजाइम। अब जो फूड है वो हेपेटिक सैक में एंजाइम रिलीज होते हैं और वहीं पे ही डाइजेस्ट होता है, उसको हम डाइवर्टिकुला ऑफ गट भी कहते हैं। दी वर्म एक्सटेंड इट्स पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द बरो ड्यूरिंग डिफेक्शन। अब जो इनका है ना एनस वाला पार्ट, ये क्या करते हैं, ये वाला पार्ट क्या कहते हैं, डिफेक्शन के दौरान ये अपनी बरों से ये बाहर निकालते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है डाइजेशन के बाद वो क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से डिस्कार्ड कर देते हैं। अब जो बॉडी से जब ये वेस्ट मटेरियल डिस्कार्ड करते हैं ना, तो वो इसकी एक क्वाइड शेप होती है, तो वो अपनी बरों से बाहर अपना ये एनस पार्ट निकाल के और अपनी वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब जो वो वेस्ट मटेरियल है उसे हम कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। कोई भी आसपास इनकी बरों होगी ना, आसपास इनकी ना कास्टिंग नजर आएगी, तो वहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ यहाँ पे एक्रोन वर्म्स प्रेजेंट है। द वर्म एक्सटेंड इज पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द बरो, यानी कि बरो से वो अपने पोस्टीरियर एंड को निकाल के क्या करते हैं, वेस्ट मटीरियल रिलीज कर देते हैं। क्वाइल जो फिकल मटीरियल कास्टिंग, इनका जो फिकल मटीरियल है उनको कास्टिंग कहते हैं, और वो उसके क्वाइल शेप में होती है, वो लाई ऑन द सबस्ट्रेट एट बरो ओपनिंग, यानी कि उनकी बरो की ओपनिंग पे वो ही यानी कि हमें नजर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्रोन वर्म्स प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम इनका क्या है, एक्टोडर्मल इन द ओरिजिन एंड लाइज एट द बेस ऑफ सीलिएटेड एपिडर्मस। अब क्या है, सीलिएटेड एपिडर्मस में है एक्टोडर्मल प्रेजेंट है। अब उसमें हमारे पास डोर्सल और नर्व वेंट्रल नर्व ट्रैक होता है और वो मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क को यानी कि डोर्सल और वेंट्रल दोनों के नेटवर्क को मिला के हम उसको कहते हैं नर्व प्लेक्स। अब ये देखें, ये हमारे पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ रही है, ये देखें ये जा रहा है, और ये हमारे पास डोर्सल है। अब ये डोर्सल और वेंट्रल दोनों का नेटवर्क मिलके हमारे पास एक जो जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं नर्व प्लेक्स। देर इज नो मेजर गैंग्लिया, इनके नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होते। सेंसरी रिसेप्टर्स आर अनस्पेशलाइज्ड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी। अब जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो अनस्पेशलाइज्ड है, अब हमारी बॉडी में जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो स्पेशलाइज है, हमारी बॉडी में पेन रिसेप्टर्स हैं, टच रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, तो वो क्या है, स्पेशलाइज है, हर एक का एक स्पेशल फंक्शन है, मगर इनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं पर क्या है, अनस्पेशलाइज है, और ये पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। फिर रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन एकाइनोडर्म में भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, डिफ्यूजन मोस्टली सब में ही डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, अमोनिया। रेस्पायरेटरी गैसेज एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया प्रोबेबली आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल। अब क्या है, डिफ्यूजन कहाँ हो रही है, फ्रिंजल स्लिट्स, फ्रिंजल स्लिट्स में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, वो सीलिया वाटर में हेल्प करते हैं कि वो बॉडी के अंदर एंटर भी हो जाएं और बॉडी से वो क्या हो जाएं कि बॉडी से जो वाटर जब उनको गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है या फूड मटेरियल जो उन्होंने अब्जॉर्ब करना होता है, फिल्टर करना होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, फ्रिंजल स्लिट से ही वाटर करंट के थ्रू बॉडी से वो बाहर निकाल देते हैं। तो रेस्पिरेटरी गैसेस आर एक्सचेंज एट द फ्रिंजल स्लिट्स, फ्रिंजल स्लिट्स वही आपको बताया गया मैंने कि ये देखिए यहाँ पे इनके फ्रिंजल स्लिट्स हैं, यहाँ से ही पानी एंटर होगा और यहीं से ही ये क्या होगा, पानी बॉडी से बाहर चला जाएगा एक्सचेंज के बाद डिफ्यूजन के थ्रू। सीलिया एसोसिएटेड विद द फ्रिंजल स्लिट्स सर्कुलेट वाटर इनटू द माउथ एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू फ्रिंजल स्लिट्स, ठीक है। इसमें सीलिया होते हैं, वो वाटर को हेल्प करते हैं कि वो मूव करें माउथ की तरफ, और फिर जब वो वाटर बाहर निकालना होता है वो भी फ्रिंजल स्लिट से ही बाहर निकाल दिया जाता है आफ्टर डिफ्यूजन। एज वाटर पासिस थ्रू द फ्रिंजल स्लिट्स गैसेज आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ अ वन डोर्सल एंड वन वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स। अब इनकी क्या होता है, एक डोर्सल होती है और एक वेंट्रिकल होती है, और ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, यानी कि इसमें एबिलिटी होती है कि ये रिलैक्स और कंट्रैक्ट कर सके। ब्लड मूव्स एंटीरियरली इन द डोर्सल वेसल एंड पोस्टीरियरली इन द वेंट्रल वेसल, ठीक
ठीक है, ये इनकी मूवमेंट बता रहे हैं ब्लड की। ब्रांचेस फ्रॉम द वेसल्स लीड टू ओपन साइनसिस। अब जो बॉडी में यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो जो ब्लड फ्लो करेगा ओपन साइनसिस में फ्लो करेगा। ओपन साइनसिस हमारे पास जो भी टिश्यूज के दरम्यान खाली जगह होती है उन्हें हम कहते हैं ओपन साइनसिस। ऑल ब्लड फ्लोइंग एंटीरियरली पासिस इन टू द सीरीज ऑफ ब्लड साइनसिस कॉल्ड द ग्लोमेरुलस एट द बेस ऑफ प्रोबिस्कस। अब ये जो हमारे पास प्रोबिस्कस है, अब ये देखें, अब ये सारा ये हमारे पास क्या आ गया, ग्लोमेरुलस आ गया। ठीक है, सारा यानी कि इसी के उन्होंने कहा हुआ कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसकी बेस पे ही कर रहा है। ऑल ब्लड फ्लोइंग एंटीरियरली पासिस इन टू द सीरीज ऑफ ब्लड साइनसिस कॉल्ड द ग्लोमेरुलस एट द बेस ऑफ प्रोबिस्कस। एक्सक्रीटरी वेस्ट मे बी फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस इन टू द सिलूम ऑफ प्रोबिस्कस एंड रिलीज टू द आउटसाइड बॉडी वन और टू पोर्स इन द वॉल ऑफ प्रोबिस्कस। अब प्रोबिस्कस है, उस पर हमारे पास छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। ठीक है, जब ग्लोमेरुलस में हमारे पास कोई भी वेस्ट मटीरियल आएगा तो वो क्या करेगा, उन पोर्स के जरिए फिर प्रोबिस्कस की वॉल से बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ब्लड एंड इस फंक्शन। अब इनका जो ब्लड है, द ब्लड ऑफ एक्रोन वर्म इज कलरलेस। ठीक है, इनमें कोई कलर पिगमेंट नहीं होता तो इनका ब्लड क्या होगा, कलरलेस होगा। लेक सेलुलर एलिमेंट्स, इनमें सेलुलर एलिमेंट्स नहीं होते। अब सेलुलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे ब्लड में एलिमेंट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और हर एक का एक अलग फंक्शन है। इनके ब्लड में ऐसा कोई भी सेलुलर एलिमेंट नहीं होता। अब इसका फंक्शन क्या है, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रंस टू द होल बॉडी। ठीक है, जैसे ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो क्या करेगा, ये पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या रिप्रोडक्शन इनमें क्या होती है, डाइएशियस होती है। मैंने आपको बताया कि डाइएशियस हम किसे कहते हैं, जिसमें सेपरेट सेक्सेस होती हैं, मेल फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होते हैं और दोनों में ही उनके गेमेट्स बनते हैं और वो फ्यूज करते हैं तो एक हमारे पास एम्ब्रियो आता है। इसको क्या कहते हैं, डाइएशियस कहते हैं। अब जो डाइएशियस है, ये डाइएशियस है, इनमें मेल और फीमेल क्या होंगे, सेपरेट होंगे, दोनों के अपने गेमेट्स बनेंगे। अब इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वही बताया आपको कि दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल है उसमें जो एग और स्पर्म वो फ्यूज करते हैं आउटसाइड द बॉडी, और जो इंटरनल होते हैं उसमें जो एग और स्पर्म फ्यूज करते के आगे हमारे पास एम्ब्रियो बनाते हैं, वो होता है इनसाइड द बॉडी। टू रो ऑफ ग्रेनेड्स लाइज इन द बॉडी वॉल एंड ईच ग्रेनेड ओपन सेपरेटली टू द आउटसाइड। ठीक है, गुनेर्स होते हैं बॉडी वॉल में और इनकी सेपरेट ओपनिंग होती है, जैसे कि एनस की एक ओपनिंग है और इनकी जो है ना गुनेड की भी एक सेपरेट ओपनिंग होती है, जिसके जरिए से ये क्या होते हैं, बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है। स्पॉनिंग बाय वन वर्म इंड्यूस अदर द इन द एरिया ऑफ एरिया टू द स्पॉनिंग बिहेवियर डैट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पॉनिंग फेरोमोन्स। अब एक वॉर्म है, अगर उसने स्पॉनिंग स्टार्ट करती है तो उसमें उसके स्पॉनिंग के साथ फेरोमोन्स भी रिलीज होते हैं। फेरोमोन्स हमारे पास सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स को हम फेरोमोन्स कहते हैं। जब एक वॉर्म अपनी बॉडी से ये रिलीज करते हैं एग या स्पर्म, तो फेरोमोन्स के जरिए जो उनके उस टेरिटरी में दूसरे एक्रोन वर्म्स हैं उनको भी पता चल जाएगा कि अब स्पॉनिंग करनी है, अब टाइम है, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी स्पॉनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे मेल और फीमेल का क्या करते हैं, एग गेमेट्स फ्यूज करते हैं और हमारे पास आगे क्या बनता है, उनका एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है लार्वा। इनका लार्वा कैसी लेटी लार्वा कार्टोनेरिया। इनके लार्वे को टोरनेरिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, प्लेक्टोनिक होता है। पहले भी हमने काइनोडर्मा का लार्वा भी हमने देखा है, वो भी क्या था, सीलिएटेड था, प्लेंक्टोनिक था, और वो भी लार्वे के स्टेज में किसी हार्ड सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और जब तक वो अडल्ट नहीं होता वो वहीं पे रहता है। तो इनका और इनका जो लार्वे का थोड़े करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि काइनोडर्म और हेमिकोडेट्स में थोड़ी सिमिलैरिटी पाई जाती है। लार्वा सेटल टू द सबस्ट्रेट एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इन टू द अडल्ट। सिमिलैरिटी ऑफ द टोरनेरिया लार्वा टू अ काइनोडर्म लार्वा प्रोवाइड वन सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ द क्लोज एवोल्यूशनरी टाइज बिटवीन द हेमिकोडेट्स एंड काइनोडर्म। के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है हेमिकोडेट्स का और इकाइनोडर्म्स का, क्योंकि इनका क्या है, इनका जो लार्वल इनकी स्टेज है, इनके करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं।
तो ये हमारे पास पहली क्लास होगी एंटीरोनिस्टा, और दूसरी हमारे पास क्या है, टीरोब्रैंकाई। क्लास टीरोब्रैंकाई, टीरो का मतलब उन्होंने हमें बताया हुआ है विंग और फेदर, और ब्रैंकाई गिल्स। गिल्स का, ब्रैंकाई का मतलब क्या है कि इनमें भी गिल्स स्लिट पाए जाएंगे, और टीरो विंग्स और फेदर कहा गया है क्योंकि इनका कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो विंग और फेदर लाइक होता है, उसमें टेंटिकल्स होते हैं, तो ये इनको क्या कहते हैं, टीरो ब्रैंकाई। अब टीरो ब्रैंकाई इज अ स्मॉल क्लास ऑफ हेमिकोर्डेट्स फाउंड इन डीप ओशन ओशनिक वाटर ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। अ फ्यू लिव इन यूरोपियन कोस्टल वाटर एंड इन शेलो वाटर नियर बरमूडा। 30 species डिस्कवर्ड टिल नाउ आर स्मॉल, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 0.1 to 5 mm। बॉडी इज डिवाइडेड इन टू थ्री रीजन जस्ट लाइक टीरोनिस्टा। की तरह ही इनकी क्या बॉडी है, तीन रीजन में डिवाइड की गई है, प्रोबिस्कस, कोलर, ट्रंक। अब इनके थोड़ा, प्रोबिस्कस में हमारे पास थोड़ा है फर्क, क्योंकि उनका प्रोबिस्कस क्या था, प्रोजेक्टेड था, शॉर्ट था, मगर इनका जो प्रोबिस्कस है वो क्या है, शील्ड लाइक है, कोलर प्रेजेंट होता है। अब कोलर में हमारे पास थोड़ा और एडिशन आ गया है, इनके टेंटिकल्स होते हैं। अब वो टेंटिकल की नंबर्स क्या है, 2 to 9 आर्म्स। ट्रंक इज यू शेप, प्रोबिस्कस इज एक्सपेंडेड एंड शील्ड लाइक, कॉलर पोजेसिस टू और 2 to 9 आर्म्स विद न्यूमेरिस न्यूमेरस सीलेटेड टेंटिकल्स। ट्रंक इज यू शेप। अब ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका प्रोबिस्कस है, शील्ड लाइक है, ये इसका कॉलर रीजन है। अब कॉलर रीजन से ये क्या है, टेंटिकल्स निकले हुए हैं, और टेंटिकल्स पे छोटे छोटे क्या है, सीलियां। यहाँ पे तो दो ही टेंटिकल्स दिखाए गए हैं, मगर उन्होंने क्या है कि ये 9 तक इनके नंबर जा सकते हैं। अब ये इनका ट्रंक है, ये यू शेप्ड है, ठीक है। मेंटेनेंस फंक्शन, फिल्टर फीडर होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वाटर को फिल्टर करके अपनी वो कोई भी जो फूड है या कोई भी मटेरियल जो इनको बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है वो अपने फिल्टर फीडिंग फिनोमिना से ये हासिल करते हैं। यूज वाटर करंट दैट सीलिया ऑन देयर आर्म एंड टेंटिकल जनरेट टू फिल्टर फीड। सीलिया ट्रैप एंड ट्रांसपोर्ट फूड पार्टिकल टूवर्ड द माउथ, ठीक है। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन वही है, फ्रिंजल स्लिट से इनकी क्या होगी, रेस्पायरेशन होगी, और जो गैसेस और वेस्ट का एक्सचेंज है वो क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट वही, अब इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होती है। पहले तो हम पढ़ रहे थे सब में वो हो रही है, सेक्सुअल हो रही है, और क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब इनमें असेक्सुअल भी हो रही है, और असेक्सुअल में क्या होता है, ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं। अब एसेक्सुअल में क्या होगा, ये इनमें बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब ये देखें, ये हमारे पास इनकी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। अब ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, मगर जब बडिंग होनी हो, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी हो, तो इनमें एक छोटा सा यहाँ पे बड बन जाता है, ठीक है, जोइड बन जाता है, फिर वहीं से वो क्या करता है, ग्रो करता है, और ये एक इसके साथ ही अटैच रहेगा। जैसे कि ये तीन अटैच है ना, सेपरेट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, कलोनी बनाते जाते हैं। तो ये कलोनी की शक्ल में भी रहते हैं, और इनमें जो है रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों पाई जाती है। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू होगी, और बडिंग के जरिए ये क्या करेंगे, कलोनीज बनाएंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, वो भी होती है, मेल और फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल गुनेट इनके ट्रंक में ही यहाँ पर इंटीरियरली इनके क्या गुनेट बनते हैं मेल और फीमेल के। फिर वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या डाइएशियस है, और फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल और फीमेल के जो हमारे पास है गेमेट्स, वो आउटसाइड द बॉडी आके फ्यूज करेंगे, और क्या बनाएंगे, आगे से लार्वा इनका डेवलप करेगा। जो इनका लार्वा है उसको, वो पेनुला लाइक लार्वा होता है डेट लिव फॉर अ टाइम इन द ट्यूब ऑफ फीमेल। अब ये फीमेल की ट्यूब में जब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा ना इस ट्यूब में थोड़ी देर के लिए रहता है।
दिस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द डिवेलपमेंट ऑफ अ पेनुला लाइक लार्वा डैट लिव्स फॉर अ टाइम इन द ट्यूब ऑफ फीमेल. दिस नॉन फीडिंग लार्वा इवेंचुअली लीव द फीमेल ट्यूब, यानी कि अब वो फीमेल ट्यूब में ही बस थोड़ी देर के लिए रहते हैं. बाद में वो क्या करता है, उसको क्या करता है, लीव कर देता है. एक हार्ड सबस्ट्रेट पे खुद को अटैच कर लेता है, कोकोन की शक्ल बना में कोकोन में कन्वर्ट हो जाता है. कोकोन जो बटरफ्लाइज में आपने देखा होगा कि लार्वा कोकोन अपने इर्द गिर्द कोकोन बना लेता है, फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस चेंज आती है, फिर वो कोकोन से यानी कि बाहर आ जाता है. तो फिर वो बाद में क्या होता है, अडल्ट में चेंज हो जाता है. तो इसमें भी यही है कि लार्वा फीमेल की ट्यूब में रहेगा कुछ अर्सा, बाद में वो ट्यूब से बाहर आ जाएगा और एक हार्ड सबस्ट्रेट पे खुद को अटैच कर लेगा और कोकोन की शक्ल में आ जाएगा, फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस चेंज आएंगे और वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये आज हमारे पास यहाँ तक था.